जनसंख्या नियंत्रण समाधान रैली। मुरादनगर विधायक अजीत पाल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पदयात्रा विशाल रैली का किया स्वागत। हम दो हमारे दो तो सबके दो इस नारे के साथ मेरठ से शुरू हुई जनसंख्या नियंत्रण रैली, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। मुरादनगर गंग नहर पर विधायक अजीत पाल ने क्षेत्र वासियों के साथ इस रैली में भाग लेने वाले लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया और खुद अपने क्षेत्र वासियों के साथ इस रैली में पदयात्रा में शामिल हुए। जनसंख्या नियंत्रण रैली मेरठ से शुरू की गई, दिल्ली और दिल्ली समाप्त होगी और मुरादनगर में जगह जगह शहर की महिलाओं ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का समर्थन किया। मुरादनगर सिरोजुद्दीन की सुधारने के लिए कि भारत सरकार एक कानून लागू करे जिससे दो बच्चों का कानून एक देश के अंदर लागू हो। आज जमीन घटती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु घट रही है, पानी का स्तर खत्म हो रहा है। आने वाले भविष्य को अगर अपने देश की तरक्की को बचाना होगा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। आप बीजेपी सरकार सत्ता में है, बीजेपी के विधायक हैं, फिर भी जो है रैली निकाली जा रही है। क्यों रैली निकाली जा रही है? कानून भी पास किया जा सकता है आपकी सत्ता के जब तक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्यसभा लोकसभा सभी
राज्यों से इसका समर्थन अभी आवश्यक है। कानून संसद से ही बनता है देने के लिए कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या लाना कितना की आवश्यक है, उसके लिए ये यात्रा का आयोजन। इसमें और भी पार्टियां आपका सहयोग कर रही हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोकतंत्र का विषय है और देश के विकास का विषय है जिसमें हर व्यक्ति ये देश की तरक्की बीजेपी सरकार है, फिर भी आपको रैली निकालनी पड़ रही है। सरकार हमारी सरकार बनाएगी, और कोई सरकार नहीं बना सकती।